आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसी कारण मस्तिष्क घात के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसलिए लोगों को स्ट्रोक के बारे में जागरूक करने के लिए हर 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। मस्तिष्क में रक्त की कमी को सबसे बड़ा कारण माना जाता है स्ट्रोक का। वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर एम्स अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहाँ पर न्यूरोलॉजी की डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए एक नए ऐप लॉन्च किया। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने बताया कि अगर व्यक्ति अपने रक्त के संचार पर पूरी तरह से नियंत्रण कर ले तो इस बीमारी से बच सकता है। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने खाने पीने पर खास ध्यान देना होगा। स्ट्रोक किसी भी उम्र में व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं में ऑक्सीजन ना पहुँचने से मर जाती हैं और जिस वजह से अपनी याददाश्त खोने लगती हैं। आपको बता दें कि उच्च और कम रक्त दबाव के कारण स्ट्रोक की समस्या होती है। इसको नियंत्रण में रखने के लिए मोटापा को कम करें, इसके साथ शरीर में वसा फैट इकट्ठा ना होने दें, रोजाना व्यायाम करें, धूम्रपान और शराब सेवन से हमेशा दूर रहें, अत्यधिक वसा वाले खाने से सेवन से बचें। अगर कोई लक्षण दिखाएं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि करें किस तरीके से काम करेगा और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे लोगों को। इसमें कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है उस ऐप में, ताकि अगर कोई ब्रेन अटैक से कोई मरीज आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में, तो जो भी इमरजेंसी जिसका भी हो, एक फिजिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो उनको पता चलेगा कि ये मरीज को स्ट्रोक है या नहीं। और अगर सही वक्त में वो आ गया, जैसे 4.5 घंटे के अंदर अंदर पहुँच गया, तो सीटी स्कैन कर लेते हैं। प्लेन सीटी स्कैन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है सारा हिंदुस्तान में, बहुत सारे डिब्बे में, लद्दाख में भी है। और वो सीटी स्कैन में वो जो भी आएगा वो तो सारा 30 सेकंड में आता है, तो उसमें जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं SOPs में, ब्लड शुगर इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, ये चेकलिस्ट लेके वो जो क्लॉट को डिसॉल्व करने की दवाई वो IV के जरिए सिंपल इंट्रावेनस में दे सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट ऐप के जरिए, मतलब उसको पिकअप करके वो इनफैक्ट करस्पॉन्ड, मतलब उनको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं जो सेंट्रल हैंडलर है। तो सेंट्रल हैंडल एक व्हील समझ लीजिएगा, तो ये जैसे स्ट्रोक आ गया तो तुरंत बिंग चला जाएगा कि हमारे पास स्ट्रोक आ गया, तो जो सेंटर में है वो कहेगा कि चलो CT भेजो, तो इमेज भेज दिया कुछ सेकंड में, अच्छा ये आप कर सकते हैं, तो कितना देना है वो बता देगा कि इतना देना है, वो दे देगा। तो आपकी BP ऐसे मॉनिटर करो। सो इसे टेली, जो हम डिजिटल हेल्थ अप्लाई कर रहे हैं जो टेली हेल्थ के थ्रू, ये नहीं कि अगर मरीज आ गया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, भैया आप ले जाओ जी, you know, कोई गाड़ी लो और 6 घंटे रास्ते कोरोना काल में। सो दैट इज नॉट, सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। सो हमारे मकसद ये होगा कि काफ़ी हद तक ये इससे फ़ायदा होगा। दिस कोरोना में कितना इफेक्ट हुआ है, कितने केसेस इंक्रीज हुए हैं स्ट्रोक के? नहीं, कोरोना के वजह से जो स्ट्रोक की, वही हम कह रहे थे ना, एसोसिएशन है जी, उसके वजह से इंक्रीज हुआ, उसे वजह से घटन ऐसा नहीं। एक्चुअली पैंडेमिक जब शुरुआत हुआ, लॉकडाउन हो गया, सारा कोविड ही था, लोगों के डर के वजह से बाहर ही नहीं जा रहे थे, हार्ट अटैक ब्रेन अटैक वो घर में रहते थे। तो इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर में हमने देखा कि सारा केसेस ऐसे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच रहे थे, और वो कई कारण थे। तो पर जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो गया, आने लगे, तो हमारे में इतने वैसे जो स्ट्रोक की आबादी, जो स्टैटिस्टिक्स है आंकड़े में, वो नंबर्स देखें तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा ही है। बट कोविड के वजह से, कोविड इज़ एन इन्फेक्शन, एंड इन्फेक्शन के वजह से वो ट्रिगर फैक्टर फॉर अ स्ट्रोक वो बहुत सालों से साथ है, तो ये भी एक इन्फेक्शन है, ये भी एक ट्रिगर होता है, और कई मेकनिज़म्स हैं। तो ये, बट ये नहीं कहना कि कोविड से वजह से ये बढ़ा है, कई आंकड़ों की अगर मैम बात की जैसे मेल फीमेल और एज ग्रुप क्या है, किस तरीके से कितने परसेंट है, कितने क्या है? 25% जी। सो अगर पिछले साल का 1.8 मिलियन स्ट्रोक, उसमें 25% स्ट्रोक यंगस्टर्स।